नमस्कार, आज के वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज बात करेंगे कि अगर आप ज़मीन या मकान खरीदने जा रहे हैं और उस ज़मीन का या मकान का अग्निकोण बढ़ा हुआ है तो वो ज़मीन या मकान आपके लिए कैसा रहेगा। पूर्व और दक्षिण के मध्य भाग को अग्निकोण कहते हैं। अग्निकोण के जो देवता हैं वो हैं अग्नि देवता और ग्रह देवता हैं शुक्र। सृष्टि की रचना 5 तत्वों से ही की गई है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। आपके घर में अगर 5 तत्व बैलेंस है यानी संतुलित हैं तो आपका घर वास्तु के अनुसार से ठीक है, तो उस घर में आप स्वस्थ और सुखी संपन्न रहेंगे। वहीं अगर आपके घर का 5 तत्व में से कोई तत्व असंतुलित है यानी अनबैलेंस है तो उस घर में आप परेशान रहेंगे। तो जब भी घर के लिए प्लॉट खरीद रहे हैं या घर बना रहे हैं तो दिशा को अवश्य देखें। अगर प्लॉट का अग्निकोण बढ़ा हुआ है तो वो वास्तु के हिसाब से अशुभ माना गया है। प्लॉट हो या घर हो, अग्निकोण का बढ़ा हुआ रहना वास्तु के अनुसार से अशुभ माना गया है, क्योंकि आप अग्नि तत्व के क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं। अग्नि तत्व का क्षेत्र बढ़ने से ही कई तरह के समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। घर की स्त्रियां बीमार रहती है, घर में आपसी मनमुटाव बना रहता है, इसके साथ ही घर में अग्नि और दुर्घटना का भी भय बना रहता है। ये 3 इमेज आपके सामने में है, इस तरह से अग्निकोण बढ़ा हुआ हो सकता है। दूसरा, क्या ऐसा प्लॉट अगर आप ले चुके हैं तो उसको ठीक किया जा सकता है क्या? क्या ऐसे प्लॉट में मकान बना सकते हैं? तो ऐसा है कि अगर आप प्लॉट खरीद लिए हैं तो उस प्लॉट को आप ठीक करके मकान बना सकते हैं। अगर आप ऐसे प्लॉट ले चुके हैं तो बढ़ा हुआ दिशा को काट कर हटा दें यानी दीवाल दे करके उस बढ़े हुए भाग को अलग कर दें और बाकी जो जगह बचा हुआ है उसमें रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी प्लॉट है आपका उसमें आप मकान बनाएं। तो इस तरह से अग्निकोण का बढ़ा हुआ प्लॉट जो है उसको ठीक करके आप मकान बना सकते हैं। लेकिन अगर मकान का अग्निकोण बढ़ा हुआ है तो ऐसे मकान को भूल करके भी आप नहीं खरीदें। प्लॉट को ठीक किया जा सकता है लेकिन मकान को ठीक करना पूर्ण रूप से असंभव है। इस तरह से आप अग्निकोण का विचार करके मकान या प्लॉट खरीदें। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।